लोकतंत्र पे सबसे बड़ा हमला अगर कोई है तो वो ये मशीनें हैं। चुनाव तक लड़ा और सारी वीडियोग्राफी हासिल की कि किस प्रकार से इन मशीनों के अंदर घपला। कोर्ट में बहस ये की गई कि हमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, तो ये सबसे बड़ी गलती की थी। हम लोग तो कहना ही है चाहिए सबको कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है। कानून क्या है? पेपर बैलेट से चुनाव होने का कानून है, मशीनों से चुनाव होने का कानून ही नहीं है। आए हमसे समझे जो बात समझ में नहीं आती। कई साल से बहुत सारे लोग इन मशीनों के खिलाफ कि ये संविधान के ऊपर सबसे बड़ा हमला है, बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे थे कई सालों से। मैं भी पेटिशंस डाल रहा था, मतलब, लेकिन सड़क पे आंदोलन उतना नहीं कर रहा था। हमारे एक साथी थे जो हैं अभी भी, लेकिन जो आजकल मुखरता से हमारे साथ नहीं है, वो भी बहुत मजबूती से सड़क पे भी संघर्ष कर रहे थे और वैसे भी करने की चेष्टा कर रहे थे। लेकिन साथी का नाम तो बताइए, अभी वो आप सवाल में पूछ लीजिएगा ना। और भी बहुत सारे साथी थे, एक ही साथी नहीं है। लेकिन 5 जनवरी को इस साल की पूरे देश की जनता ने मुझे फोन किए, बहुत सारे हजारों लोगों ने फोन किए, कॉन्टेक्ट किया, सड़कों पे लोगों ने मुझे रोका कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी ये मशीनों के ऊपर भरोसा नहीं है, इससे हमें लगता है कि हमारा जो जनादेश है वो छीन लिया जाता है। आपको हम एक ईमानदार, मजबूत, ना डरने वाला, ना लालच में आने वाला, ना बिकने वाला, ना टूटने वाला व्यक्ति समझते हैं, तो इस मुद्दे को आप लो, हम आपको ये निर्देशित करते हैं। तो जनता के इस निर्देश के बाद मैंने 5 जनवरी को कमीशन के खिलाफ हमारी लॉयर्स की टीम ने एक बड़ा मार्च किया, हमें अरेस्ट किया, हमारे ऊपर पुलिस ने ज्यादती भी की, और उस दिन से लेकर आज तक मैंने बीड़ा उठा लिया कि ये मशीनों के द्वारा जो जनादेश, जो जनता की आवाज है, उसी को छीन लिया जाता है। मतलब ये हमारे देश की जनतंत्र पे, लोकतंत्र पे सबसे बड़ा हमला अगर कोई है तो वो ये मशीनें हैं। क्योंकि लोग वोट किसी को देंगे, मत किसी को देंगे, और चला किसी और को जाएगा। इससे बड़ा कुठाराघात, इससे बड़ा हमला संविधान के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो एक वोट का अधिकार हर एक को दिया बराबर बराबर, उसी को छीन लेना, देश का मालिक सारी जनता को बनाया उसी को छीन लेना, वो सबसे बड़ा अटैक है। तो मैंने बीड़ा उठा लिया, मैंने तय कर लिया, और आप सभी लोग जानते हो अगर मैं कोई चीज का फैसला या वादा कर लेता हूं तो सलमान खान के फिल्मी डायलॉग में अमल में ले आता हूं, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। तो इस मशीन के बारे में मैंने तय कर लिया, और मैं ये ऐसा फैसला कोई फिल्मी डायलॉग की तरह नहीं करता हूं, पहले उस पर मैं रिसर्च करता हूं, सारी मेहनत करता हूं, पूरी ताकत लगाता हूं, अपने सारे साथियों से सलाह मशवरा करके 100% ओपन शट केस बनाता हूं, जैसे मैं केस अदालत में लड़ता हूं। उसके बाद मैं फिर निकल पड़ता हूं आगे, फिर मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो बहुत सारे हमारे साथियों ने हमारा साथ कम देना शुरू कर दिया, छोड़ दिया, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ आई। हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी की टॉप लीडरशिप जो है वो ईवीएम के खिलाफ है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो शरद पवार जी हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे वो लालू यादव जी हो, चाहे वो अब जगन रेड्डी साहब हो, अभी तो वो भी, उनको भी एकदम बहुत शौक लगा है पिछले चुनाव से, चाहे कोई ममता जी हो, कोई भी हो, ईवीएम के सब खिलाफ हैं। खुद मोदी जी भी 2014 से पहले, भारतीय जनता पार्टी भी ईवीएम के सख्त खिलाफ थी, सॉरी मशीनों के सख्त खिलाफ थी। चलिए, ये हरियाणा के चुनाव के बाद ही इनको मशीनों के बारे में ये कमी पता लगी, ऐसा कहना सरासर नादानी होगी। जयराम रमेश जी जो और उनके साथ खेड़ा जी हैं, उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मशीनों के खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से, इतना बड़ा एक तरीके से आरोप लगाया। अब ये क्यों लगाया? क्योंकि यही वो लोग हैं, जयराम रमेश जी खास तौर पे, और जो उसमें वेणुगोपाल जी का भी नाम आता है, लेकिन जो मेरी जानकारी है, राहुल गांधी जी को इन मशीनों के खिलाफ डिसुएड करने, मतलब बोलने से, और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने से कांग्रेस पार्टी को किसी ने रोका, राहुल गांधी जी को किसी ने रोका, तो वो जयराम रमेश जी का नाम उसमें सबसे ऊपर आता। और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, और उनके चारों तरफ और जो एक क्लोज में टीम है उनका सबसे बड़ा रोल आता है, वरना
ना लोकसभा में ये हालत होती चुनाव में, ना हरियाणा में होती। लेकिन हरियाणा में तो एकदम सब लोग शॉक, मतलब जैसे 40,000 वोल्ट का झटका लगा सबको। तो ये आज मैं खुलासा करने के लिए आप लोगों के सामने हूं। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने आंदोलन करके देश में इसको नंबर वन इशू बना दिया था। क्यों? और ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन बहुत आसान इसलिए भी हो गया कि हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाया और जनता ने पूरे देश में हमारा साथ दिया। बहुत ताकत लगा के नरेंद्र मोदी जी ने, राजीव कुमार जी ने, और विदेशों तक से करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके लोग लेके आए, ताकि किसी तरीके से ये जो मशीनों का जो हमने सवाल उठाया है, इसको किसी तरीके से जनमानस के दिमाग से हटा दें। कुछ भी करने को तैयार है मोदी जी भी, चाहे वो पार्लियामेंट में बोलने की बात हो, चाहे वो चुनाव आयोग को बार बार, यहां तक के राष्ट्रपति के भाषण, राष्ट्रपति साहिबा के भाषण में भी चुनाव आयोग की तारीफ करा। हमने भी साइड बाय साइड कुछ काम किए जो आप लोगों के सामने बार बार आए। हमने केसेस भी फाइल किए, हमने कोर्ट से यह भी ऑर्डर कराया कि सारे चुनाव में लोकसभा के वीडियोग्राफी होगी, शुरू से लेके फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से लेके और गिनती के बाद तक, जब तक मशीनों को सुरक्षित रखा जाता है, और वो सुरक्षित रखा जाएगा। लोकसभा की सारी मशीनें हमने सुरक्षित रखने के लिए पूरा कानूनी रूप से इंतजाम कर लिया। हमने रामपुर का चुनाव अपनी, मैंने खुद अपनी रेपुटेशन सब कुछ दांव पे लगा के मैं ये चोरी, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो कभी मशीनें हाथ में देगा नहीं और कहता ये रहेगा कि ये ईमानदारी वाली बहुत ही सच्ची मशीनें हैं। तो हमने चुनाव तक लड़ा और सारी वीडियोग्राफी हासिल की कि किस प्रकार से इन मशीनों के अंदर घपला घोटाला, ऐसे चाहे SLU हो या कोई भी स्टेज हो, हर स्टेज पे चोरी डकैती करता है चुनाव आयोग और उसके अधिकारी। ये हमने वीडियोग्राफी भी सारी ली। इसके साथ साथ हमने अदालतों में भी केस डाले ये साबित करने के लिए कि ये मशीनें जो हैं पूरी तरीके से झूठी हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया था चुनाव आयोग ने, जो ADR का केस था, उसमें धोखा जो दिया था ये बोल के कि इतने बड़े महत्वपूर्ण और इतने सख्त कानून है हमारे इन मशीनों को इस्तेमाल करने के, कि वैसे तो मशीनें सेफ नहीं है, लेकिन क्योंकि हम हर जगह हर मौके पे हर समय एक इतना मजबूत अपना चौकीदार बिठा देते हैं कि इन मशीनों में गड़बड़ करने की गुंजाइश नहीं रहती। तो हमने रामपुर के चुनाव से और दूसरे जो चुनाव जो हमने वीडियोग्राफी ली है एक जगह फतेहपुर सीकरी की भी ली है, उससे ये पूरी दुनिया को दिखा दिया और मैंने बहुत सारी वीडियो आपको भी दिखाई है किस प्रकार से जो सुप्रीम कोर्ट में गारंटी दी थी, जो कानून है देश का चुनाव कराने का, उसका हर प्रक्रिया को धज्जियां उड़ा दी आयोग ने, राजीव कुमार जी के आयोग ने, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के कहने पर। मेरे अलावा देवाशायम जी हैं और बहुत सारे दूसरे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उसमें एक प्यारेलाल गर्ग, डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं जो चंडीगढ़ से हैं, वो बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। अब उन लोगों ने जो डेटा कलेक्ट करके इतनी अच्छी अच्छी तीन रिपोर्ट्स बनाई, उन तीनों रिपोर्टों में ये साफ तौर पर साबित कर दिया कि इसमें डेटा जो चुनाव आयोग ही दे रहा है, अपनी वेबसाइट पर डाल रहा है, उसी से यह साबित होता है कि 4,65,00,000 वोट लोकसभा में अनअकाउंटेड फॉर ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, और उसमें कम से कम मेरा तो यह मानना है कि 150 से भी ज्यादा सीटों में गड़बड़ी की है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन उन लोगों ने भी कहा कि कम से कम 80 सीटों पे तो बेईमानी की है। ये सारी रिपोर्ट्स लोगों के दिलों में थी जब चुनाव हो रहे थे हरियाणा के और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के। मैंने तो कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि मैं तो पूरी रिसर्च करके कोई काम करता हूं। मैंने चिट्ठी लिख दी ऑलरेडी चुनाव आयोग को कि इसकी सभी वीडियोग्राफी आपको करानी पड़ेगी, नहीं तो मैं आपके खिलाफ क्रिमिनल कानूनी कार्रवाई करूंगा, फौजदारी की कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो हरियाणा के चुनाव की सारी मशीनों की वीडियोग्राफी, चुनाव के सारे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, और जम्मू कश्मीर की 90 सीटें हरियाणा, 90 सीटें जम्मू कश्मीर में हमने वीडियोग्राफी के लिए चिट्ठी लिख दी और चुनाव आयोग ने वो वीडियोग्राफी कराई होगी ऐसा मैं दावा करता हूं। सारे सबूत अभी वीडियोग्राफी में मौजूद होंगे, ये मैं दावा करता हूं, क्योंकि इतनी रेपुटेशन तो मेरी है, चुनाव आयोग को पता है। अगर उन्होंने मेरी बात को नहीं माना तो फिर जेल ज्यादा दूर नहीं रहेंगी। तो उन्होंने वीडियोग्राफी तो कराई होगी, अब चैलेंज ये रहेगा कि वो वीडियोग्राफी मुझे देंगे नहीं। उसके लिए भी मैंने परसों एक लेटर लिख दिया है
और मैंने वो अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाल दिया है, जिसमें मैंने कहा है कि मुझे फॉर्म 17C से लेके सारी वीडियोग्राफी, 90 सीटें हरियाणा में और 90 सीटों की कश्मीर की सारी वीडियोग्राफी दे दे, ताकि मैं एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखा दूं किस प्रकार से बेईमानी की गई है इन दोनों चुनाव में भी। हरियाणा का थोड़ा ज्यादा लग रहा है लोगों को, जम्मू कश्मीर में भी उतनी ही गड़बड़ और धांधली हुई है इन मशीनों द्वारा। आप जीत कैसे जाते हैं ये मैं बार बार बता चुका हूं, एक बार भी चलते चलते बता दूं कि इसमें अभी तक 20% की हेराफेरी करने का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन ये इंतजाम और भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए आने वाले चुनाव में और भी ज्यादा खतरा है। ये हरियाणा के चुनाव में तो सब पॉलिटिकल पार्टीज को साफ पता था कि महमूद प्राचा साहब जो कह रहे हैं, जो गर्ग साहब कह रहे हैं, जो देवाशायम साहब कह रहे हैं, जो तीन तीन रिपोर्टें डिटेल में पब्लिक डोमेन में आई हैं, ये सब सच है।